हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रीजन बेस्ड क्वेश्चन इसमें मैंने लास्ट 11 इयर्स के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने सारे कवर किए हैं हेलो हेलो एल्केन फिनोल कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस इसके सारे मैंने पी पीवाई क्यू रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के चांसेस हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर वन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विच हेलो एलकेर पहला क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एलकाइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल याद रखना अगर आपके पास क्या है अल्कोहल है और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो अल्काइल क्लोराइड तो थाइनाइल क्लोराइड ही बेस्ट मेथड है ऐसा क्यों है क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हो थाइनाइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ ऑफ पायरेडीन एल्काइल क्लोराइड तो बनता है बट इसके साथ क्या होता है दो गैसेज रिलीज होती है ठीक है, है, मतलब होती ये दोनों गैस क्या हो जाती है Escape हो जाती जाती है, चले जाती है, ए रिजल्ट आपको मिलता है प्योर आर सी एल और एलकाइल क्लोराइड नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग पैरा डायक्लोरोजीन हैज हायर मेल्टिंग ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर जो पैरा आइसोमर होता है याद देखना इसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा जो पैरा है वो ज्यादा क्या होता है सिमेट्रिकल होता है ज्यादा सिमेट्रिकल होने की वजह से वो क्रिस्टल में क्या हो सकता है बेटर फिट हो सकता है तो क्रिस्टलाइन लाइटिस में ये इजिली अरेंजमेंट शो कर सकता है एज ए रिजल्ट इट हैज मोर क्लोजली पैक्ड अरेजमेंट तो इसके पैक अरेंजमेंट क्या होता है क्लोजली पैक्ड होता है और इसकी वजह से काफी ज्यादा ये स्टेबल होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से हायर होता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन तो आंसर है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन के बीच में क्या होता है डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता हेलोजन और कार्बन के बीच में ठीक है एंड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल तो एनर्जी चाहिए ये वाला बॉन्ड पहले अगर इन दो इसको इसमें डिजॉल्व करना है ना तो पहले आपको ये क्या करना पड़ता है बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है बट प्रॉब्लम क्या? क्या है ये जो बॉन्ड की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा क्या है हाई है एज़ कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज बाय वाटर हेलाइड इंटरेक्शन जब एलकाइल हेलाइड और वाटर की इंटरेक्शन होती है तो इसमें क्या होता है कम एनर्जी रिलीज होती है बट ये ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए सो दैट्स वाई ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाते और ये अल्काइल हेलाइट वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाता है क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन वाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड तो क्लोरोबेंजीन की डायपोल मोमेंट कम होती है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से याद रखना डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सबसे पहले चार्ज की बात करेंगे डायपोल का क्या चार्ज है जैसे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करें कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है क्योंकि डबल बॉन्ड है s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करता है एज ए रिजल्ट जो ये हमारा चार्ज होता है वो कम हो जाता है और पोलैरिटी भी कम होती है वेराज अगर हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की बात करेंगे यहाँ पे जो कार्बन है ये एस पी थी हाइब्रेडाइज है इसका एस करेक्टर लेस है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एज ए रिजल्ट इसका चार्ज ज़्यादा होता है नेक्स्ट है अगर हम बात करें ना क्लोरोबेंजीन की इसमें क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से याद रखना बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है स्मॉल हो जाती है तो एज ए रिजल्ट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है और बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है और इसका ओवरऑल डाइपोल कम हो जाता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की क्वेश्चन नंबर फाइव है गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्श्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड ठीक है याद रखना एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्ट्रेट चेन होता है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है इसमें क्या होता है ब्रांचिंग होता है तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है सरफेस एरिया क्या होता है डिक्रीज होता है तो टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सरफेस एरिया कम होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से बॉयिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सिक्स की वाई इज प्लस एंड माइनस ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव याद रखना प्लस एंड माइनस क्या होता है रेसमिक मिक्सचर होती है इसमें क्या होता है दो एनेशुमर प्रेजेंट होते हैं ब्यूटेन टू ऑल के दो फॉर्म प्रेजेंट होते हैं एक प्लस एंड नेगेटिव और याद रखना एक होता है डेक्सटो रोटेटरी एक लीवर रोटेटरी जो दोनों हैं वो इक्वल अमाउंट में लाइट को रोटेट करते हैं

वाटर में डिकम्पोज हो जाता है और एल्केन बनाता है ग्रिकनॉड रिएजेंट हमारे पास है आर एम आर पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है वाटर एच टू ओ वाटर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो आर क्या करता है हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देता है आर एच एल्केन बनाता है एज ए रिजल्ट क्या होता है ये डिकम्पोज होता है तो इसे हम बनाते हैं एनहाइड्रस कंडीशन में एट्थ क्वेश्चन है गिव रीजन एस एन वन रिएक्शन आर इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हेलाइट एस एन वन रिएक्शन में हमारा क्या बनता है रेसिमिक मिक्सचर बनता है जब ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हेलाइट हो ऐसा इसलिए होता है याद रखना जो एस एन वन है वो दो स्टेप में होता है पहले स्टेप में क्या होता है ये कार्बोकोटाइन बनाता है ठीक है तो कार्बोक्टाइन आर इंटरमीडिएट इन in S N 1 रिएक्शन कार्बोक्टाइन बन गया और याद रखना वो होता है S P 2 हाइब्रिडाइज्ड आर प्लेनर स्पीशीज एग्जांपल ये हमारे पास है सपोज ये कार्बोक्टाइन है यहाँ C H 3 C 2 H 5 C 3 H 7 ठीक है ये प्लेनर स्पीशी है स्पीशीज है और क्या कर सकता है अटैक कर सकता है फ्रॉम फ्रंट और रियर यहां से, भी कर सकते, यहां से भी कर सकता है तो हमारे दो कंपाउंड बन जाएंगे बन जाएंगे और ओवरऑल हमारा बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन नंबर नाइन है गिव रीजन द प्रेजेंस ऑफ एनो ग्रुप एट ऑर्थोपेरा पोजिशन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ हैलो एरिन टूअर्ड द न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन सपोज आपके पास एनोटू ग्रुप है और तो पैरा पोजिशन पे कहीं पे भी हो सकता है मैंने पैरा पे बनाया ये इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है तो याद रखना एनोटू इज ए इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप

जो क्लोरोफॉर्म है उसे क्लोज डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं इसलिए करते हैं ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो अगर वो एयर और सनलाइट पे एक्सपोज हो जाता है तो क्या बनाता है ये फॉस्टजीन बनाता है विच इज ए पॉइजनस गैस तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है इन प्लेस ऑफ सनलाइट इट फॉर्म सी ओ सी एल टू विच इज फॉर्जीन एंड इट इज ए पॉइजनस गैस नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की क्वेश्चन नंबर इलेवन है गिव रीजन इथाइल आयोडाइड अंडरगो गो रिएक्शन फास्टर देन द इथाइल ब्रोमाइड ठीक है याद रखना जो इथाइल आयोडाइड होता है इसमें क्या होता है आयोडाइड मतलब हो होता? होता तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है एज कंपेयर टू बॉन्ड ऑफ द ब्रोमिन सो इट इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट हैज लार्जर साइज देन ब्रोमाइड आई ठीक है तो ईजिली ये बॉन्ड ब्रेक होकर न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर सकता है ट्वेल्थ क्वेश्चन है गिव रीजन ऑल द क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप हैज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोटिक सब्सिट्यूशन ठीक है तो नॉर्मली क्या जो क्लोरिन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है बट स्टिल इसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है ऑर्थोपैरा पोजिशन में यह इसलिए होता है ड्यू टू रेजिनेंस एक तरफ ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होता है बट दूसरी तरफ क्या करता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस कर रहा होता है ड्यू टू तो रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन पेरा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मूव करते हैं ऑर्थोपेरा पोजिशन पे एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक एट ऑर्थोपैरा पोजिशन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है

पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो बॉन्ड है काफी स्ट्रोंग हो जाता है और जो बॉन्ड क्लीवेज होता है हेलो एरिंस में वो डिफिकल्ट हो जाता है तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है एज ए रिजल्ट न्यूक्लोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन भी डिफिकल्ट हो जाता है सेकेंड रीजन है हेलो एरिंस में जो हैलोजन है ना वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एसपी टू हाइब्रिडाइज है तो इसमें एस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है सो एज ए रिजल्ट जो हेलो एरिंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर की इसके हम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले गिव रीजन वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथनॉल आफ्टर लूजिंग ए प्रोटॉन जब फिनॉल में से आप प्रोटॉन लूज कर दो तो ये बना देता है फिनॉक्साइड आयन और अगर आप इथेनॉल से प्रोटॉन लूज कर दो तो ये बनाता है इथॉक्साइड आयन जो फिनॉक्साइड आयन है याद रखना ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है इसमें क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन बेनजी के अंदर मूव करेगा प्लस आर इफेक्ट की वजह से वेरास इथक्सा इथॉक्साइड है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता तो रेजोनेंस होने की वजह से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा एच प्लस रिलीज होगा सो दैट्स वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक

ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉगर होता है और एच प्लस रिमूव करना डिफिकल्ट होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की क्वेश्चन नंबर थर्ड है अकाउंट फॉर फॉलोइंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन द पैरानाइट्रोफिनॉल ठीक है ऑर्थोनाइट्रोफिनोलॉ जो है वो ज्यादा वॉलोटाइल है मतलब वो ईजिली वेपर्स बना सकता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करेंगे ये क्या बनाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं सेपरेट रहते हैं इजिली वो क्या बना सकते हैं वेपर्स वेर एज पैरानाइट्रोफिनोल हैज इंटरमोलिकुलर इसके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सो तो एज ए रिजल्ट अगर आप उसको बॉइल करना चाहते हो तो आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तभी ये बॉयल होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की क्या बनता है आपका ईथर बनता है ठीक है बट अगर आपने क्या लिया है एलकाइल टर्सी ले लिया है सपोज न्यूक्लियोफाइल कहा अटैच करना चाहता है कार्बन पे बट आपने टर्शी एल्काइल हेलाइट ले लिया तो क्या होता है इसमें काफी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो ये ओ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ नहीं पाता है तो न्यूक्लियोफिलिक पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है सी नेगेटिव यहाँ पे बेस की तरह काम करता है ठीक है तो वो क्या करता है यहाँ कार्बन पे तो जुड़ नहीं सकता बट साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन वो रिमूव कर लेता है ठीक है तो हमारा बन जाता है सी एस एच यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं यहाँ से सी को रिमूव कर देता है और हमारा बना देता है एल्कीन

तो वो खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सो एज ए रिजल्ट इसका बॉलिंग पॉइंट हायर होता है मिथेन एक ईथर है और वो खुद के साथ बना सकता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसका क्या होता है बॉलिंग पॉइंट लेस होता है नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें क्या दिया हुआ है यहां पे ईथर दिया हुआ है एक तरफ इसमें टर्शी बुटाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल है ऑन रिएक्शन विद एच आई गिवस सी एंड टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड ये मिल रहा है मेन प्रोडक्ट नॉट सी एच थ्री सी ओ एच नॉट टर्शरी अल्कोहल एंड सी एच थ्री आई ठीक है तो याद रखना कि जब भी आपको क्या दिया हुआ है ईथर दिया हुआ है ठीक है और अगर उसमें से एक ग्रुप क्या है एल्काइल ग्रुप टर्शरी है अगर एक भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो उसमें क्या होती है एस मैकेनिज्म ऐसे वन मैकेनिज्म हमें पता है दो स्टेप में होता है इसमें क्या बनता है कार्बोकोटाइन बनता है और क्योंकि टहशी कार्बोकोटाइन स्टेबल है इसको हम स्टेप्स में देखते हैं सबसे पहले क्या होगा जो एच प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट तो हमारा सी एच थ्री ओ एच रिलीज हो जाएगा हमारा बनेगा कार्बोकोटाइन स्टेप नंबर वन में ठीक है तो अगर टर्शरी आपका एक भी ग्रुप है तो कार्बोकोटाइन बनेगा टर्शरी उसके ऊपर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोटाइड ठीक है तो इसमें हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल आयोटाइड और साथ में मिथेनॉल विल बी फॉर्म नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की क्वेश्चन नंबर सेवन है लोअर एलकोल आर वाटर सोलुबल वेयर एस हायर एल्कोहल आर वाटर इनसोलुबल ठीक है याद रखना जो लोअर साइज वाले अल्कोहल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं वो वाटर सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ईजली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं बट जैसे अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दिए तो उन्हें बोलते हैं हायर एल्कोहल और उसमें क्या होता है लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट ये हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है हाइड्रोफोबिक होने की वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इन एफिशियंट होती है तो इजिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं हायर एल्कोहल और वो इनसॉल हो जाते हैं क्वेश्चन की बात करेंगे Why do do not give जो एल्कोहल होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ईजिली H+ प्लस एक्सेप्ट कर सकता है बट जो फिनॉल का ऑक्सीजन है वो एच प्लस एक्सेप्ट नहीं करता मतलब वो प्रोटोनेशन नहीं शो करता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम आर डीलोकलाइज

टू क्लोरो इथेनॉल में वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ओएस डिक्रीज होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है सो दैट्स व्हाई टू क्लोरो इथेनॉल बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक होता है इथेनॉल से क्वेश्चन नंबर टेन है द सी बॉन्ड इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहीडल एंगल ऑफ वन डिग्री ठीक है तो याद रखना जो एंगल होता है एल्कोहल में सीओ का वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपल्शन तो स्मॉलर तो हो जाता है एज कंपेयर टू टेट्राहीटर एंगल नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की इन कॉल्ब रिएक्शन इंस्टेड ऑफ वाई ठीक है तो कॉल्ब रिएक्शन में फिनोल की जगह हम फिनॉक्साइड के साथ सी ओ की रिएक्शन करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं सबसे पहले हम एन्यूएज के साथ रिएक्ट करते हैं फिनॉल को हमारा बनता है सोडियम फिनॉक्साइड ठीक है जो सोडियम फिनॉक्साइड है याद रखना वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन देन फिनॉल तो इसमें जो ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ऑर्थो पैरा पोजिशन पे एज कंपेयर टू द फिनॉल सो एज ए रिजल्ट जो सी होता है ना वो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो ईजली क्या कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक्स कर सकता है एज कंपेयर टू द क्वेश्चन नंबर है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग द बॉलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप तो जैसे जैसे अल्कोहल में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है उसका बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है द बॉलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है ना सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज होता है और जब डिक्रीज होता है ना सरफेस एरिया तो उनमें जो वेंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती है डिक्रीज होती है और वेंडरबॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से बॉलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है तो ब्रांचिंग से बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पहला क्वेश्चन है हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये

न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा नेक्स्ट टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन कीटोन कीटोन में क्या होता है दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ओवरऑल क्या है? होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल पे अटैक करता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की गिव रीजन पी एच ऑफ रिएक्शन शुड बी केयरफुली कंट्रोल वाइल प्रिपेयरिंग अमोनिया डेरीवेटिव ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड ठीक है आप अमोनिया डेरीवेटिव बना सकते हो कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ठीक है तो उसमें हमें पी एच को कंट्रोल करना चाहिए सपोज पी एच काफ़ी ज्यादा एसिडिक है मतलब पी एच कम है तो एच प्लस की काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन है सो एज ए रिजल्ट क्या होता है अमोनिया डेरीवेटिव रिएक्ट करेंगे एच प्लस के साथ अमोनिया डेरीवेटिव में क्या होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एच प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर सोल्यूशन ज्यादा बेसिक हो गया तो क्योंकि आप कार्बोनैल कंपाउंड्स ले रहे हैं तो कार्बोन जो ग्रुप है उस पर क्या करेगा ओ एच नेगेटिव अटैक करेगा सो दैट्स दी एच कंट्रोल करना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन है देर आर टू एन एच टू ग्रुप इन सेमी कार्बासाइड सेमी कार्बोसाइड को देखेंगे होता है एन एच टू एन एच सी ओ एन एच टू दो्बाजोन तो क्या सेमी कार्बाजोन बनाने में सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेमी रेजोनेंस शो कर सकता है ठीक है एक जो एन एच टू है इसके साथ सीओ ग्रुप है और यहाँ पे जो एन एच टू है इसके साथ कुछ नहीं है ठीक है तो जो एनएच टू है इसके साथ सी ओ है ये क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो ये वाला एन एच टू क्या कर सकता है रेजोनेंस कर सकता है ठीक है अब क्या होता है जो नाइट्रोजन है ना दोनों के नाइट्रोजन उन्हें क्या करना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना है कार्बोनाइल कार्बन पे ठीक है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बट यहाँ पे रेजुनेस करने की वजह से इट डज नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है नाइट्रोजन पे तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा ये वाला कार्बन नाइट्रोजन बट ये वाला जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है हाई है क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है सो इट विल डू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप और ये फॉर्म करेगा सेमी कार्बासोन तो ये एन करेगा और ये वाला एन नहीं करेगा नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन नंबर फोर है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसमें इजिली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा नहीं होता ऐसा क्यों है ड्यू टू लोन पेर ऑन ऑक्सीजन आइटम अटैच टू हाइड्रोजन आइटम इन से सी ओ एच ग्रुप आर इन्वॉल्व इन रेजिनेस तो क्या होता है यहाँ पे जो OH का ऑक्सीजन है ठीक है ये क्या कर सकता है इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है ठीक है और रेजोनेंस करने की वजह से याद रखना इस कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे मूव करते हैं तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कम होता है सो इट मेक्स द कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक तो ये कार्बन क्या होता है लेस इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा नेक्स्ट दिया हुआ है गिव रीजन वाई ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीहाइड इज ईजियर देन द कीटोन अब एलडीहाइड में क्या होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो ईजली ब्रेक करके आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो सो ऑक्सीडेशन ऑफ एलडीहाइड इन वालवेज ऑफ सी एच बॉन्ड ये बॉन्ड ब्रेक करके ईजली ऑक्सीडेशन कर सकते हो बट अगर आपको कीटोन में ऑक्सीडेशन करना है तो आपको कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे जो होते हैं काफी डिफिकल्ट

तो बेंजोइक एसिड में सी एच ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये शो करता है हमारा माइनस आर इफेक्ट एज ए रिजल्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है हेंस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर इजिली अटैक नहीं कर पाता है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये शो नहीं करेगा सेवन क्वेश्चन है बेंजल इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल इन एडिशन रिएक्शन ठीक है तो बेंजल लेस रिएक्टिव है प्रोपेनल से एडिशन ये एडिशन ऐसा इसलिए होता है याद रखना जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उस पर क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, है? वेरास बेंजल में क्या होता है ये जो कार्बन है वो शो करता है इलेक्ट्रॉन कर अपनी तरफ लेता है

बेंजल डिहाइट सो प्रोपेनल इजली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन नंबर एट है गिव रीजन व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट द मेटा पोजिशन जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजिशन पे क्यों अटैक करता है इन बेंजोइक एसिड याद रखना बेंजोइक एसिड में क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है सी ग्रुप होता है ठीक है और ये क्या करता है इट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एन पैरा है माइनस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है तो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सो एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ कहां पे अटैक कर सकता है मेटा मेटापोजिशन पे क्योंकि ऑर्थो पैरा से उसको रिपल्शन मिलेगा ठीक है नाइन्थ क्वेश्चन है फोर नाइट्रोबेंक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड ठीक है अब नाइटो बेंजॉइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉगर एसिड इसलिए होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप क्या है हमारा एनोटू ग्रुप अटैच है ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और एच प्लस ईजली रिलीज हो जाएगा सो इट इंक्रीजिंग एसिडिक एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कार्बोक्सलेट एनायन सो सपोज इसने एच प्लस रिमूव कर दिया तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ विड्रॉ करके जो कार्बोक्सिलेट एनाइन है इसे स्टेबलाइज हो जाता है क्योंकि ये इसका चार्ज अपनी तरफ खींचता है जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर टेन है गिव रीजन वाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास याद रखना एल्कोहल में तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड होता है बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दे वेपर फेस में भी क्या करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं और वो डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मतलब वेपर में भी दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन है वाई फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो आपका बनता है कार्बोक्सिलेट एनाइन ठीक है इसमें क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर टू ऑक्सीजन एटम और दो ऑक्सीजन एटम क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव फिनॉक्साइड में क्या होता है जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अगर आप देखोगे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन और कार्बन पे मूव कर रहा है बट कार्बन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है यहां पे दो तो एज ए रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे रेजोनेंस चाहे ज्यादा हो फोक्साइड पे बट कार्बोक्सिलेट एनाइन में क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है ज्यादा स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक्सप्लेन वाई सोडियम बायोसलफ़ाइड इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन तो सोडियम बायोसलफाइड से हम एल्डिहाइड और कीटोन प्योरीफाई कर सकते हैं सपोज हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है ये कार्बोनाइट ग्रुप दिया हुआ है रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन को ये इम्प्योर है हमने सोडियम बायोसल्फाइड के साथ इसे रिएक्ट किया हमारा बनेगा बायोसलफाइड एडिशन प्रोडक्ट अब ये जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है क्रिस्टलाइन होता है द बाइ सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इस वाटर सोलूबल अब ये जो प्रोडक्ट है ना वाटर सोलूबल होगा एज ए रिजल्ट जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सॉलिड होंगी उसे हम रिमूव कर सकते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इसे कन्वर्ट बैक कर सकते हैं टू द ओरिजिनल कार्बोनेल कंपाउंड इसे हम वापस इस कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसे ट्रीट करेंगे विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड या तो मिनरल एसिड या तो मिनरल अल्कि के साथ इसे हम ट्रीट करके वापिस हम कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं एज ए रिजल्ट होता है हम बात करेंगे के reasoning questions. सबसे पहले हमें दिया हुआ है अकाउंट फॉर इज सॉल्युबल इन वॉटर वेरस एनोलिन इज नॉट ठीक है जो इथाइल अमाइन है वो याद रखना वाटर के साथ वो इजीली क्या बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो वो वाटर में सॉल्युबल है ठीक है एनोलिन है? में क्या होता है हमारा एक वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता क्योंकि उसके पास होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता रिएक्शन जो एनोलिन है ठीक है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता याद रखना ये होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन अब एनोलिन में क्या होता है नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो होता है AlCl3 तो ये है हमारा लुइस एसिड कैटलिस्ट सो एज ए रिजल्ट क्या होता है जो नाइट्रोजन है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन AlCl3 को डोनेट कर देता है तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन होने से सॉल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है सो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इज स्ट्रॉगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लग जाता है बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो डीएक्टिवेटेड हो जाता है मतलब बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा सो दैट्स वाई एन डॉट अंडर गो फिटल क्राफ्ट रिएक्शन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री गिव रीजन वाई एलिफेटिक्ट्रांगर बेस देन अमोनिया ठीक है याद रखना जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे होता है उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है ज्यादा होती है ठीक है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एलकाइल ग्रुप अगर हम बात करें एलिफेटिक अमाइन में आर ग्रुप होता है एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू अमोनिया सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कैन बी ईजली डोनेटेड तो जो एलिफेटिक अमाइंस है इसमें ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसकी वजह से ये इजली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो दैट्स वाई एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉगर बेस्ड देन अमोनिया नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की इलेक्ट्रोफिल है? है, है तो इसमें क्या होता है जो एन एच टू ग्रुप होता है के साथ वो क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टर्ड्स द बेजीनिंग इसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप सो वो क्या करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट बेनजीनिंग और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा क्या है इलेक्ट्रोफाइल है सो दैट्स वाई जो एरोमेटिक वो इलेक्ट्रोफिलिकब्ट्यूशन फास्टर शो कर सकते हैं एज कंपेयर टू पेंसी नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की गिव रीजन बाई इथेन अमाइड इज वीकर बेस्ड अमाइन ठीक है अब ये जो अमाइड होता है इसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द कार्बोनाइल ग्रुप तो अमाइड में सी एस थ्री सीओ एन एच टू में क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे क्या होती है रेजोनेंस होती है रेजोनेंस की वजह से जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन तो वो इजिली एच प्लस एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं रेजोनेंस कर रहे हैं सो दैट्स जो इथेन अमाइन होता है जो इथेनवाइन है वो ज्यादा क्या होता है बेसिक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर अमाइंस बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हेलाइड अगर आप अमोनोलिसिस करो अल्काइल हेलाइड की सपोज आपके पास एल्काइल हेलाइड है तो आपका बनता है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन टर्शरी अमाइन एंड क्वार्टनरी सॉल्ट ठीक है तो इन सब का क्या बन जाता है मिक्सचर बन जाता है सेपरेशन ऑफ दिसन क्या होता है डिफिकल्ट होता है सो दैट्स वाई आप प्योर अमाइंस अमोनोलिस से नहीं बना सकते हो नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की गिव रीजन वाई सी एच थ्री एन एच टू इज मोर बेसिक देन दी सिक्स एच फाइव एन एच टू ठीक है तो मिथेन अमाइंस ज्यादा बेसिक क्यू है एनोलिन से तो so, अगेन एनीलिन में क्या होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या शो कर सकते हैं रेजोनेंस शो कर सकते हैं as a रिजल्ट क्या हो जाएगा नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी और ये इजीली प्रोटोनेशन शो नहीं करेगा वेयर अगर हम मिथेनामाइन की करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे 8th क्वेश्चन है

तो हेलो एरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन नंबर नाइन है गिव रीजन वाई एसिटाइलेशन ऑफ एनोलिन रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट याद रखना एनोलिन में क्या होता है नाइट्रोजन पे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजता है रिजल्ट इजली सकता है उसे बोलते हैं हम हम एक्टिवेटिंग इफेक्ट इफेक्ट एसिटाइलेशन से वो रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जब आप एसिटाइलेशन एनलिन की करते हो तो आपका बनता है एसिड एनालिट ठीक है इसमें क्या होता है जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं सी ओ के साथ ठीक है सो एसिड एनलिट में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टुवर्ड द कार्बोनाइल ग्रुप एज ए रिजल्ट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस अवेलेबल होते हैं टू डोनेशन टू द बेंजीन रिंग तो बेंजीन रिंग की तरफ क्या होते हैं कम इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्योंकि ये इसके साथ क्या कर रहा होता है रेजनेस कर रहा होता है और जब कम इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जाते हैं तो इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट और जो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है वो कम हो जाता है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर टेन की क्वेश्चन नंबर टेन है गिव रीजन ऑल एन एच टू इज एपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एन एच टू ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पोजिशन पे इंक्रीज करता है येट नाइट्रेशन जब आप नाइट्रेशन करते हो तो आपको मिलता है मेटा नाइट्रो एनलिन इन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रेशन होती है ठीक है नाइट्रेशन पे क्या होता है हमारा एसिडिक मीडियम एच प्लस होता है तो एनलिन क्या कर सकता है एच प्लस एक्सेप्ट कर सकता है जब वो एच प्लस एक्सेप्ट कर लेता है

हमें दिया हुआ सी एस टी ट्वाइस एन एच सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ इट इज मोर बेसिक देन द टर्शरी अमाइन इन एक्वस सोलूशन याद रखना सेकेंडरी अमाइन टर्चरी अमाइन से ज्यादा बेसिक इसलिए होता है बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट टर्शरी में ज्यादा होता है सेकेंडरी में कम होता है देन प्राइमरी में सॉल्वेशन इफेक्ट प्राइमरी में ज्यादा होता है देन सेकेंडरी देन स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी इसकी वजह से प्राइमरी ज्यादा बेसिक होता है सेकेंडरी देन अगर आप ये सारे ओवरऑल इफेक्ट देखोगे तो सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन से ज्यादा बेसिक होती है क्वेश्चन दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ और वो ना अंडरगो करता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दो मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वेर एज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन टर्शरी अमाइन टर्सरी अमाइन होता है R3N, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता सो एज ए रिजल्ट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता तो प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है सो एज ए रिजल्ट उसका पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू टर्शरी अमाइन क्वेश्चन नंबर थर्टीन है राइट रीजन फॉर द फॉलोइंग अमाइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जिसमें या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नेगेटिव चार्ज हो ठीक है अब जो अमाइंस है

चार्ज इज वेल डिस्पर्स इन द एरोस हो जाता है जो चार्ज है वो क्या कर सकता है मूव कर सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे यहां मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करेंगे यहां पर पॉजिटिव ये यहां पर मूव होंगे वापस ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे तो डायजोनियम सोल्ट में क्या होता है रेजोनेस होती है तो चार्ज डिलोकलाइज हो जाता है सच, ए चार्ज डीलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट तो एरोमेटिक में तो ये हो गया बट जब एलोफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है मतलब यहाँ पे पर ग्रुप अटैच है तो उसमें रेजोनेस नहीं हो पाएगा एंड हैजेबल तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लेस स्टेबल होते हैं एस कंपेयर टू एरोमेटिक डायसोनियम सॉल्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विदिन सल्फोनाइल क्लोराइड जो प्राइमरी अमाइन है दैट ही प्रोडक्ट सोलबल इन एल्कली तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो प्राइमरी अमाइन है वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो सॉलूबल होता है अल्कली में वेरा जो सेकेंडरी अमाइन है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है वो अल्कली में सोलूबल नहीं है वो इनसॉलुबल है सबसे पहले प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे वेन इट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड तो प्राइमरी अमाइन है आर एन एस टू बेनजीन सल्फोन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे यहां से एक एच सी एल रिमूव हो जाएगा यहाँ पे ये यह नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा ठीक है हमारा कंपाउंड बनेगा एल एलकाइल बेंजीन सल्फोन अमाइड ये जो कंपाउंड है ना ये एल्कली में सॉल्युबल होगा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है ये एसिडिक है ये जो एसओ टू ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप है ये एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये अल्कली में सॉल्युबल होगा नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी अमाइन को रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ठीक है सेकेंडरी अमाइन है आर टू एन इसमें हमारा एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड बनेगा अब इसमें याद रखना ये इनसॉल्युबल है अल्कली में क्योंकि इसके नाइट्रोजन के साथ कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है सो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ये सॉल्यूबल नहीं होता ये प्रोडक्ट आई होप आपको ऑर्गेनिक के रीजनिंग क्वेश्चन समझ आए हो सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक के बाकी वीडियोस भी मैंने बनाए हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सब वीडियोस का सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय